Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we are going to start chapter number 5. And the name of our chapter is We Need Shelter. जैसे हमें जीने के लिए खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, उसी तरह हमें रहने के लिए घर की जरूरत है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर सम एंड सब्सटेंस। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ, कि घर कैसे बनते हैं और किन चीजों से बनते हैं। पीपल हु बिल्ड हाउसेस, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो घर बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, अ क्लीन एंड गुड हाउस, इन सब के बारे में आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस की पिक्चर बनी हुई है, आपको उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ। हाउस इज आवर बेसिक नीड, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। It protect us from rain, storm, thunder, cold and heat. It also protect us from thieves and wild animals. We feel safe in our house. हम सबको रहने के लिए घर की जरूरत है और घर क्या है, हमारी एक बेसिक नीड है। हमें घर की जरूरत किस लिए होती है? घर हमें आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी और जंगली जानवरों से बचाते हैं और घर हमें चोरों से, डाकुओं से भी बचाते हैं। हम घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। What are houses made of? घर किन चीजों से बनता है? There are different type of houses. बहुत सारे अलग अलग तरह के houses होते हैं और उनको बनाने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रिक, ईंट, लकड़ी के टुकड़े, कांच, सीमेंट, लोहे की सरिये, लोहे के सरिये होते हैं बड़े बड़े, उनकी जरूरत, और सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत की जरूरत। इन सब की जरूरत हमें पड़ती है घर को बनाने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के घरों के बारे में। पीपल हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस, दे लिव इन केव्स एंड फॉरेस्ट। With the passage of time, they learned how to build houses. Some houses are big and some are small. People build houses according to their needs. Generally, there are following type of houses. आज से हजारों वर्ष पहले जो लोग थे, उनको नहीं पता था कि घर कैसे बनाए जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, उसी तरह लोगों ने घर बनाना सीखा। लोग घर बनाते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अगर छोटा परिवार है तो वो छोटा घर बनाएंगे, अगर बड़ा परिवार है तो वो परिवार के अकॉर्डिंग घर बनाएंगे। घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। कच्चा हाउस, कच्चा हाउस क्या होता है? आप सबने गांव में कच्चे मकान देखे होंगे, झोपड़ियां देखी होंगी, उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। वो किससे बनते हैं? वो लकड़ी मतलब बैम्बू से बनते हैं, घास फूस से बनते हैं। देखिए इस तरह के होते हैं कच्चा हाउस। कच्चा हाउस आर मोस्टली मेड ऑफ ड्राई लीफ, मड, बैम्बू, ग्रास, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, देयर रूफ आर अटैच। दीज हाउसेज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड कैन गेट डैमेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग और हैवी रेनफॉल। दीज टाइप ऑफ हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, दीज आर नोन एज हट्स। कच्चा हाउस मिट्टी, बांस, सूखी पत्तियों और भूस से बनता है। इस मकान की जो छत होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती और ये मकान भी ज्यादा मजबूत नहीं होते। तेज आंधी, तूफान और बरसात से ये इजिली डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इस प्रकार के घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? गांव में, जिन्हें हम हट यानी झोपड़ी कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट पक्का हाउस, हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील, स्टोन एंड लॉग्स ऑफ वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट गेट डैमेज इजिली।
so last for a very long time. Most of the houses built in towns and city are pakka house. A pakka house is also called a permanent house. Pakka house किससे बनता है? ईट, सीमेंट, स्टील, ग्लास और लोहे से. और ये houses बहुत ज्यादा strong होते हैं, जल्दी से damage नहीं होते. और पक्का हाउस आपको शहरों में देखने को मिलते हैं, और पक्का हाउस को हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं. पक्का हाउसेस इंक्लूड द फॉलोइंग. अब हम पढ़ेंगे पक्का हाउस में क्या क्या होता है. अ फ्लैट और अपार्टमेंट इज अ सेट ऑफ रूम फॉर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. आप सबने अपने घर के आसपास फ्लैट देखे होंगे और अपार्टमेंट देखे होंगे. उसमें क्या होता है, एक ही फ्लोर पर बहुत सारे घर होते हैं. A duplex house is a building consists two flat one on each level. Duplex मतलब एक उस पे दो मकान, एक नीचे और एक ऊपर. Single story house with lawn are called bungalow. Bungalow क्या होता है, single story मकान होता है और उसके आसपास क्या होते हैं, lawn होते हैं. इन्हें हम bungalow भी कहते हैं. Building that are very tall and have many floors are called skyscrapers. वो बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. कई बार आपने सुना होगा कि आपका फ्रेंड कहता मैं तो 10th फ्लोर पे रहता हूँ, मैं 15th फ्लोर पे रहता हूँ. इसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी कहते हैं कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स. देयर आर ऑल्सो सम अदर टाइप ऑफ हाउसेज डेट आर नॉट सो कॉमन. और भी कुछ प्रकार के घर होते हैं जो कॉमन नहीं होते. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. लॉन्ग कैबिन्स. Houses in mountain or forest area are often made of wood. Mountain मतलब पहाड़ी इलाकों में और जंगलों में जो घर होते हैं जो लकड़ी के बनते हैं. These houses have sloping roof to allow water or snow to slide off easily. और इन मकानों की जो छतें होती हैं, जो roof होता है वो sloping होता है, जिससे पानी और snow बर्फ easily नीचे गिर जाए. Such houses are called long cabins. और इस तरह के मकान को क्या कहते हैं, long cabins कहते हैं. Now we will learn about stilt house. Stilt house are found in places where there is a lot rainfall. जहां पर बहुत सारी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे stilt house पाए जाते हैं. These houses are built on long pillars called stilt. ये हाउसेस लॉन्ग पिलर्स पे बने होते हैं. सो दैट रेन वाटर कैन नॉट एंटर देम. और क्यों बने होते हैं, ताकि बारिश का पानी घरों के अंदर ना आ सके. द रूफ ऑफ सच हाउसेस आर स्लोपिंग. इस मकान की भी छतें स्लोपिंग होती हैं, विच हेल्प द रेन वाटर टू फॉल डाउन, जिससे बारिश का पानी इजिली नीचे गिर जाए. Now we will learn about caravan. Caravan क्या होता है? Caravan को हम house on wheels भी कहते हैं, जिसे हम easily एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके. जो लोग circus का show करते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वो इस तरह के houses का use करते हैं. Igloo. Igloo क्या होता है? Igloo बर्फ से बना मकान होता है. ये ice block से मिलकर बनता है. और ये कहाँ पाया जाता है? It is found in places that are completely covered with snow and are very cold all through the year. ये मकान ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है और पूरे साल ठंड रहती है. The people who live in igloo are called Eskimos. जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें Eskimos कहते हैं. Now we will learn about tent. People who move from one place to place often live in tent. वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं, जल्दी जल्दी जाते रहते हैं, वो tent का इस्तेमाल करते हैं, use करते हैं. It is also a portable house made up of cloth. ये portable house होता है, easily एक जगह से दूसरी जगह carry कर सकते हैं और ये मोटे कपड़े का बना होता है. It can be easily folded and packed. It can be installed whether on wishes to camp. और ये कैंप में यूज किया जाता है, जो लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं या फिर हमारे सोल्जर, वो इन हाउसेस का यूज करते हैं, जिसे हम टेंट कहते हैं. ये वाटर प्रूफ होते हैं और बहुत थिक क्लॉथ के बने होते हैं. Now we will learn about houseboat.
हाउस बोट मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जहां पर हाउस बोट होती हैं। हाउस बोट्स आर हाउसेज बिल्ट ऑन बोट। हाउस बोट वो घर है जो नाव पर बनाए जाते हैं। वी कैन फाइंड हाउस बोट इन प्लेसेस वेयर देयर आर मेनी लेक एंड रिवर। हाउस बोट वहां देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत सारी झीलें और नदियां पाई जाती हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पानी पर तैरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इंडिया ब्यूटिफुल हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। कश्मीर और केरला में हाउस बोट देखने को मिलती है। नाउ टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन। इन हांगकॉन्ग मेनी पीपल लिव ऑन स्मॉल बोट आर कॉल्ड संपन्स। हांगकॉन्ग में लोग छोटी छोटी बोट्स में रहते हैं जिन्हें हम संपन्स कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पीपल हु बिल्ट हाउसेस। एक घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत होती है। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। An architect is a person who design a house and oversees its construction. Architect वो होता है जो मकान का नक्शा बनाता है और मकान को तैयार होने में मदद करता है। A mason is a person who build floor and walls. They use cement and brick to do their work. मिस्त्री जो घर बनाता है, जो ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल करके मकान बनाता है। कारपेंटर कौन होता है? कारपेंटर को हम बड़ा ही कहते हैं। वो घर में लकड़ी के काम करता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, अलमीरास बनाता है और कबर्ड बनाता है। प्लम्बर घर बनाएंगे, पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो पानी की जो फिटिंग करता है पाइपलाइंस की, वो कौन होता है? प्लम्बर होता है। एंड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन बिजली वाला। घर है, बिजली की जरूरत होगी, लाइट की आवश्यकता होगी तो घर बनाते हैं तो बिजली के लिए बिजली की तारों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है। जब घर पूरा बनके तैयार हो जाता है, हम अपनी पसंद के कलर कराते हैं, उसमें पुताई कराते हैं, तो वो कौन करता है? वो पेंटर करता है, जो दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों को अच्छे से पेंट करता है और घर को एक नया और सुंदर लुक देता है। अ क्लीन एंड गुड हाउस, साफ और अच्छा घर कैसा होता है? अ गुड हाउस इन वन डेट फुलफिल्स योर फैमिली नीड। इट शुड बी कंफर्टेबल, स्पेशियस एंड सुटेबल फॉर आर लिविंग। अच्छा हाउस वो होता है जो घर के लोगों के अनुसार या उनकी जरूरत के अनुसार बना होता है। वो स्पेसियस होता है, काफी स्पेस होती है, आरामदायक होता है और रहने के लिए सुटेबल होता है। रूम शुड बी एयरी एंड वेल लिट। हवादार कमरे होते हैं। दिस मीन दैट देयर शुड बी इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर कमिंग इनटू द हाउस। A house should be kept neat and clean. घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। We should take care of our house for that we should. हमें अपना घर कैसे साफ रखना चाहिए? We sweep and mop the floor every day. रोज अपने घर में झाड़ू पोछा करिए। Wash the curtains and other covering regularly. आपके घर में पर्दे होते हैं और भी चीजें होती हैं, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल को ढकने के लिए, उन पर बिछाने के लिए जो कपड़े होते हैं उनको समय समय पर वॉश करिए। डस्ट द फर्नीचर एवरी डे। रोज फर्नीचर जो भी है, सोफा, अलमीरा, टेबल, उन सब पे कपड़ा मारिए ताकि डस्ट ना रहे। यूज वायर मेश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे। मच्छरदानी या फिर आजकल रैकेट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करिए जिससे घर में मक्खी मच्छर ना हो। क्लीन वेब्स रेगुलरली। घर में जाले लगे हैं तो उनको साफ रखिए। ग्रो ग्रीन एंड पॉटेड प्लांट अराउंड द हाउस। घर के आसपास हरे पौधे लगाइए, गमले लगाइए, जिससे शुद्ध हवा आएगी और वातावरण स्वच्छ रहेगा। नाउ टाइम टू लुक आवर हाउस इज आर बेसिक नीड। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। हाउस हमारी बेसिक नीड है, जिसकी जरूरत हमें है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, घर के बिना हम नहीं रह सकते, और हम सबको जीने के लिए घर चाहिए। सम हाउसेस आर बिग व्हाइल सम आर स्मॉल। कुछ मकान बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं।
A building is built with the help of people like an architect, a mason, an electrician, a plumber and a painter. एक घर को बनाने के लिए हमें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है. पेंटर, बढ़ई, मैसून, मिस्त्री और बिजली वाला, इन सब की जरूरत हमें घर को बनाने के लिए होती है. गुड हाउस आर स्पेशियस एंड वेल लिट. जो अच्छा घर होता है वो स्पेशियस होता है और हवादार होता है, बहुत अच्छे से बना होता है. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. एक्सरसाइज वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चुनिए. अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ. पक्का हाउस किससे बनता है? आयरन एंड सीमेंट, मड, स्ट्रॉ या आयरन. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयरन एंड सीमेंट. अ प्लम्बर फिक्सेस डैश इन अ हाउस. प्लम्बर क्या फिक्स करता है घर में? वायर, वाटर पाइप्स, ब्रिक्स या डोर. तो प्लम्बर वाटर पाइप्स को फिक्स करता है. अ डैश इज मेड ऑफ क्लॉथ. कपड़े से क्या बना होता है? टेंट, हाउस बोट, कैरेवन, नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है टेंट, TENT, टेंट. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. खाली स्थानों को भरना है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से. नंबर वन, वी लिव इन आ. हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हाउस पे. तो यहाँ आएगा HOUSE, हाउस. डैश आर फाउंड इन माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया एंड ऑफ्टन मेड ऑफ लोग्स. वो क्या चीज है जो माउंटेन और फॉरेस्ट में पाई जाती है उस तरह के घर, और वो लकड़ी के टुकड़ों से बनते हैं. उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग केबिन्स, LONG, लॉन्ग केबिन, CABINS, केबिन्स. नंबर थ्री एंड नंबर फोर, यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत. नंबर वन, अ हाउस शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन. घर हमेशा साफ होना चाहिए. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर टू, वी डू नॉट फील सेफ इन आर हाउस. हम अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हम अपने घर में बिल्कुल सेफ फील करते हैं. इन अर्ली टाइम पीपल लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट. पहले के जमाने में जो आदि मानव थे वो गुफा में और जंगलों में रहते थे. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर फोर, हट्स आर फाउंड इन सिटीज. शहरों में झोपड़ियां देखने को मिलती हैं. नो, हट्स हमें विलेजेस में देखने को मिलती हैं. नाउ एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग. सही मिलान करिए. यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं जो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, और यहाँ दूसरे कॉलम में उनसे रिलेटेड वर्क है. तो चलिए, सबसे पहला है कारपेंटर. बड़ई क्या करता है? कैरी लोड्स, फिट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पेंट, मेक द वुडन डोर. वो क्या करता है? वुडन डोर बनाता है. पेंटर पेंट करता है. इलेक्ट्रीशियन फिट इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तारों को जोड़ते हैं. और लेबर क्या करती है? भार उठाती है, सामान उठाती है. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.